हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी गणित की पार्ट दो की अगली ऑनलाइन क्लास है। इसमें अभी तक तीन क्लास अपन ले चुके हैं। आज आपका डी पार्ट चौथी क्लास है। 2.5 प्रश्नावली 2.5 का 1, 2, 3 और 4 सवाल तक अपन कर चुके थे। आज अपन सवाल नंबर 5 से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन अब पढ़ेंगे विस्तारित रूप, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस क्लासेस में, क्लास छठी में आपने विस्तारित रूप, दशमलव को जोड़ना घटाना, ये आराम से सीख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बस ये रिवीजन कराया गया 2.5 में। फिर मेनली चीज़ें 2.6 से सिखाई जाएगी आपको। तो देखो, विस्तारित रूप आपने पहले पढ़ रखा है। देखो कैसे करते थे, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो इसका विस्तारित रूप कैसे लिखते थे अपन, 2 × 100, सैकड़े पे है ना, तो 100 से प्लस, ये दहाई पे है 5, इकाई दहाई, तो 5 × 10 प्लस 3 × 1। अब पॉइंट के बाद कैसे लिखते थे अपन, प्लस प्लस लगाएंगे, 4 × 10 नहीं करेंगे, 1/10, फिर आगे प्लस, 1 × 1/100 प्लस 7 × 1/1000, यानी इसमें क्या करते हैं अपन, 1/10 का गुणा करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 1/100 का गुणा करते हैं, और तीसरी संख्या में क्या करते हैं, 1/1000 का करते हैं। ऐसे अपन विस्तारित रूप लिखते हैं। तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया। सवाल नंबर 5 विस्तारित रूप का ही है। तो 2 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 3 × 1, क्योंकि ये 100 पे है तो 2 × 100, 5 × 10, 3 × 1 और 4 × पॉइंट के बाद में जैसे ही संख्या चालू होगी तो आपको बट्टे में लिखना है, 4 पहले में 10, दूसरे में 100, तीसरे में 1000। तो 4 × 1/10, 1 × 1/100 और 7 × 1/7/1000, ठीक है। तो इस तरीके से विस्तारित रूप लेना है। तो सवाल नंबर 5 का मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने सवाल नंबर 5 लिख लिया 2.5 का विस्तारित। पूरा सवाल है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो दो सवाल ले लिए मैंने, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा आप खुद करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये है इकाई, ये है दहाई, पॉइंट के बाद से चालू करेंगे, पॉइंट के बाद ये इकाई, ये दहाई, यहाँ से नहीं करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, पॉइंट के बाद से करना है इकाई दहाई, ठीक है। तो दहाई को तो किससे करेंगे, 10 से, प्लस इकाई को किससे करेंगे, 1 से। अब पॉइंट के बाद क्या करेंगे, तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आएगा। 0 को किससे करेंगे, 1/10 से, और 3 को किससे करेंगे, 1/100 से। तो ये हो गया विस्तारित रूप, समझ में आ गया। यानी इसको 10, इसको 1, फिर इसको 1/10, 1/100। पॉइंट के बाद हमेशा बट्टे में चलेगा, पहले में 1/10, दूसरे में 1/100, तीसरा अगर आया तो 1/1000, चौथा अगर आया तो 1/10000, और इधर क्या चलेगा, इसमें पहले इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। तो ये आपका विस्तारित रूप हो गया। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो जीरो होते हैं ना, जीरो, उनका पॉइंट, उनका मान लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो का आंसर क्या होता है, जीरो होता है। जीरो में 1 का गुणा करोगे तो 0, जीरो में 1/10 का गुणा करोगे 0, इसलिए सीधा फिर उत्तर क्या सही करके लिखेंगे, 2 × 10 आएगा, प्लस ये वाली चीज़ गायब कर देंगे, ये गायब कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये 10 है, मतलब ये क्या है, जीरो से गुणा हो रहा है तो मान आएगा नहीं, तो सीधा आ जाएगा 3 × 1/100। तो सही उत्तर फिर ज़्यादा अच्छा ये हो जाएगा। तो आप ये लिखने के बाद फिर ये लिख देंगे, जीरो वाली संख्याओं को हटा लेंगे, ठीक है। इसका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, तो यह है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, पॉइंट के बाद लिख दिया मैंने इकाई दहाई सैकड़ा पॉइंट के बाद, और ये दो संख्या है ही, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 × सैकड़ा पे तो 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1, ये दहाई को 10 से कर दिया, इकाई को 1 से कर दिया, प्लस अब पॉइंट के बाद 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, ठीक है। तो पॉइंट के बाद बट्टे में आ जाता है। तो अब देखो ये वाला चीज़ जीरो में है, ये भी जीरो में है, ये भी जीरो में, तो ये काम का ही नहीं। तो सीधा उत्तर सही करके क्या आ जाएगा, 2 × 100 और सीधा एंड में आ जाएगा 3 × 1/100। तो ये आपका विस्तारित रूप ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 5 कर लेंगे। अब सवाल नंबर 6 है स्थानीय मान का। चलिए, तो सवाल है कि इनमें मैंने आपके लिए कुछ सवाल ले लिए, 1, 2 और 5वां, सभी में क्या करना है, 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखो अभी अपन विस्तारित रूप में जो गुणा कर रहे थे, 10 का, 100 का, 1/10 का, 1/100 का, तो ये उनके क्या थे, स्थानीय मान ही थे। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे है, देखो 2 कहाँ है, इकाई के स्थान पर है, 2 कहाँ है, इकाई के स्थान पर। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान
एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक, क्योंकि इकाई में एक से गुणा करते थे, दहाई में दस और सैकड़ा में सौ, तो इसका इकाई, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा एक, ठीक है, इकाई मतलब एक। यहाँ पे दो का स्थाई, देखो दो यहाँ पे है, इसमें दो का स्थाई स्थानीय मान क्या होगा, तो पॉइंट के बाद पहली संख्या पे है, तो पॉइंट के बाद पहली संख्या को अपन किससे गुणा करते थे, ऐसे ही करते थे, दो इंटू एक बटा दस, तो दो का स्थानीय मान यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटा दस, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमें इस दो का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो देखो ये इकाई ये दहाई, यहाँ पे क्या आता था एक बटा दस, यहाँ पे क्या आता था एक बटा सौ, और यहाँ पे क्या आता था एक बटा हज़ार, तो यहाँ पे दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो दो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा एक बटा हज़ार। तो इस तरीके से आप सभी के स्थानीय मान लिख सकते हैं, इसमें इकाई पे तो एक, इसमें पॉइंट के बाद पहले स्थान पे तो एक बटा दस, इसमें तीसरे स्थान पे तो एक बटा हज़ार। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर सात की, तो देखो आपका सवाल नंबर सात आठ, सात और आठ वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले मैं सवाल नंबर सात थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके आपको एक बार सवाल पढ़ा देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सवाल सातवां, दिनेश स्थान ए से बी तक गया, वहाँ से सी तक गया, तो देखो ये इसका डायग्राम दे रखा है, ए से बी फिर बी से सी गया दिनेश, और उसने ए से बी की दूरी है 7.5 और बी से सी की दूरी है 12.7, ठीक है, मैं भी बोर्ड पर समझाऊँगा आपको, ठीक है। और अयूब ए से डी तक गया और डी से सी तक गया, यानी ए से कहाँ गया डी तक और फिर डी से कहाँ गया सी तक, और ए से डी तक की दूरी है 9.3 और डी से सी है 11.8, तो किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी की। तो पहले तो अपन ए दिनेश की दूरी, दोनों कुल दूरी निकालने के लिए दोनों की दोनों दूरियों को जोड़ लेंगे और अयूब की दोनों दूरियों को जोड़ देंगे, फिर बता देंगे किसने ज़्यादा की और घटा कर बताएंगे देंगे किसने अधिक, ठीक है। अब देखो सवाल नंबर सात ये मैं आपको बोर्ड पर करके बताता हूँ। चलिए तो मैंने डायग्राम आपके लिए बना लिया है, तो दिनेश कहाँ से गया, ए से लेकर बी तक गया फिर बी से सी गया, ए से भी इतनी दूरी है, बी से सी इतनी दूरी है, ठीक है। दिनेश ए से सी पे आ गया और अयूब ए से डी पे गया फिर डी से सी पे गया, उसने ये दो दूरियाँ तय की, तो बताओ इसने ज़्यादा दूरी तय की है इसने ज़्यादा दूरी। तो अपन पहले अपन दिनेश की कुल दूरी निकाल लेते हैं फिर अयूब की, तो दिनेश की कुल दूरी क्या हो जाएगी 7.5 किलोमीटर में अपन 12.7 को जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ते टाइम लिखते कैसे आपको पहले पता होगा, 7.5 पॉइंट के बाद इसमें एक डिजिट है, इसमें एक है, इसमें पॉइंट के पहले दो डिजिट है 12.7, तो 12 को अपन ऐसे लिखेंगे 2 1, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ध्यान रखना ऐसे नहीं लिख देंगे 7.5 और 12 पॉइंट ऐसे कर देंगे, तो फिर तो पॉइंट चेंज हो जाएगा सात के, क्योंकि पॉइंट के पहले वाली संख्या है पॉइंट के पहले लिखी जाती है और पॉइंट के बाद वाली पॉइंट के बाद में, तो 7.5 ये हो जाएगा 12.7, पॉइंट सेम जगह पर आना चाहिए। अब जोड़ू 7 और 5 12 हासिल 1, 7 8 9 10 हासिल 1 2, यानी कितना क्या 20.2 किलोमीटर। ऐसे ही अब अपन निकालते हैं अयूब की कुल दूरी, तो अयूब गए 9.3 और 11.8, तो 9.3 और 11.8 पॉइंट सेम जगह पे होना चाहिए, ठीक है। तो 8 और 3 11 हासिल 1, 9 10 11 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे हासिल 1 2, ये गया 21.1 किलोमीटर, तो ये 20.2 गया और ये 21.1, तो ज़्यादा दूरी किसने तय की अयूब ने की, ठीक है। तो अब अपन मैं देखो डायग्राम मिटा देता हूँ, जगह नहीं है अपने पास, तो अब अपन क्या लिख देंगे ऊपर, अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की, अब उसको पूछ रहा कितनी दूरी की, ज़्यादा कितनी थी, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अयूब की दूरी में से दिनेश की दूरी को माइनस कर देंगे, तो 21.1 में से 20.2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एक में से माइनस नहीं कर सकते, तो इससे हासिल ले लेगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। हासिल लेने के बाद पॉइंट के बाद वाली संख्या भी हासिल ले सकती है, तो 11 में 2 काटेंगे 9, यहाँ पे पॉइंट एज इट इज़, 0 में से 0 कटा 0, 2 में से 2 कटा 0, तो 0.9 00.00 मतलब एक ही 0 लिख सकते हो, 0.9 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय की। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 आप कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 8 और 9 आपको खुद को करना है, मैं आपको बोर्ड पे एक बार लैपटॉप पे दिखा के मतलब स्क्रीन पे आपको सवाल दिखा के बता देता हूँ। चलिए तो ये हमारा सवाल नंबर 8वां, श्यामा ने 5 किलो 300 ग्राम सेब और 3 किलो 250 ग्राम सेब खरीदे, सरला ने 4 किलो 800 ग्राम संतरे और 4 किलो 150 केले खरीदे, किसने अधिक फल खरीदे। तो अपन वही करेंगे जैसे दिनेश का कुल निकाला था और अयूब का कुल निकाला था, वैसे श्यामा के कुल फलों का वज़न वो जाएगा अपन 5 किलो 300 ग्राम में 3 किलो 250 ग्राम को जोड़ देंगे। जोड़ते टाइम पता है ना आपको कैसे जोड़ना है, 5 किलो 300 के नीचे एग्जैक्टली 3
केजी 250 ग्राम कर देंगे और लाइन खींच के जोड़ देंगे। ऐसे सरला के कुल फलों का वज़न निकालेंगे 4 किलो 800 के जस्ट नीचे अपन 4 किलो 4 के नीचे 4 और 800 के नीचे 150 लिख कर जोड़ देंगे, फिर बता देंगे कितना और फिर माइनस करके श्यामा ने अगर ज़्यादा लिया तो श्यामा में से सरला का माइनस कर देंगे और सरला ने ज़्यादा लिया तो सरला में से श्यामा का माइनस कर देंगे। अगला सवाल है 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन 42.6 में 28 को माइनस करेंगे। अब 28 के बाद पॉइंट नहीं है तो 28 के बाद क्या लगा देंगे 0.0, तो 42.6 में से 28.0 को अपन कम कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली 2.6 की। चलिए तो अपनी प्रश्नावली 2.5 खत्म हो गई है, अब 2.6 के बारे में बात करते हैं। तो 2.6 में क्या है, दशमलव संख्याओं का गुणन, दशमलव संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, अब गुणा देखो तीन तरह की संख्या से करते हैं। पॉइंट वाली संख्या को एक पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या से कैसे गुणा करते हैं, एक जीरो वाली संख्या से कैसे गुणा करते हैं जैसे 10, 100 या 1000, या फिर एक दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से कैसे गुणा करते हैं। तीन तरह के गुणन है, मैं तीनों बारी बारी सिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक पूर्ण संख्या से कैसे गुणन करते हैं, किसको, दशमलव संख्या को। तो मैंने सवाल लेता हूँ 8 × 0.5, आपको देखो 8 एक पूर्ण संख्या है, इसमें कोई दशमलव नहीं है और ये एक दशमलव संख्या है, तो इसको पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या से कैसे गुणन करते हैं। तो सीधा आप क्या करेंगे, देखो मैं साइड में करके बताता हूँ पहले, तो कैसे करते हैं 0.5 × 8। ठीक है, अब जब भी अपन गुणा करते हैं तो पॉइंट वाली पॉइंट पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ उत्तर लिखते टाइम पॉइंट को लगाते हैं। तो सीधा मैं इसको 0 और 5 समझूंगा और 8 से गुणा करता हूँ, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 0 = 0, 0 और 4 = 4, तो क्या गया 40। अब क्योंकि एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो एक के बाद पढ़ना है, तो आंसर आ जाएगा 4.0। और ध्यान रखिएगा 4.0 और 4 एक ही बात होती है, मैंने पहले बताया था किसी भी पूर्ण संख्या के आगे कुछ नहीं होता तो अपन आगे लगा सकते हैं 0.0। तो 4.0 लिख दूँ या 4.00 लिख दूँ या 4 लिख दूँ, बात एक ही है। पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उस पॉइंट और 0 को लिख भी लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4.0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.0। अब आपको सीधा क्या करना है, जब भी एक पूर्ण संख्या एक दशमलव से आए तो आप सिर्फ संख्या से गुणा कर दो, 5 × 8 = 40 और एक के बाद पॉइंट लगा दो। एक उदाहरण और ले लेता हूँ, मैं आपका सवाल ले लेता हूँ, जैसे मान लो 2.71 × 5 आपके क्वेश्चन नंबर 1 का, 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है ये, 2.71 को 5 से गुणा करो, यानी दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से कैसे गुणा करो। यहाँ पे पूर्ण संख्या पहले आई थी, यहाँ पे बाद में आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या करोगे, 271 को 5 से गुणा कर दोगे, 5 × 5 पॉइंट चाहो तो लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 × 5 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10 और 3 = 13, 1 × 3 = 5 आ गया। अब इस संख्या में कितने के बाद पॉइंट था, 2 के बाद, तो उत्तर में भी पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो उत्तर आ जाएगा 13.55। यानी कि आप संख्या को उससे गुणा कर दो और संख्या में जितने के बाद पीछे से पॉइंट लगा हुआ है उतना आप पीछे से पॉइंट लगा दो, इसमें 2 के बाद लगा ना, तो उत्तर में भी 2 के बाद लगा दो। तो ऐसे आप एक पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या को गुणा करते हो। अब बात करते हैं अगला, चलो अब करते हैं 100, 10, 100, 1000 या फिर 1 या 0 से बनने वाली संख्याओं से कैसे गुणन करते हैं दशमलव संख्याओं का। जैसे मान लिखूँ 2.57 × 10, ठीक है, या तो यहाँ पे गुणा में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10000 हो, यानी 1 और 0 से बनने वाली संख्या हो। ठीक है, तो देखो इसमें कैसे करते हैं अपन, इसमें अपन को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं अपन। यहाँ पे क्या होगा, आंसर तो 257 ही आएगा, बस पॉइंट का स्थान बदल जाता है। जब भी अपन 10, 100 या 1000 से गुणा करते हैं ना, तो सिर्फ दशमलव पॉइंट का स्थान बदल जाता है, बाकी उत्तर वही रहता है। तो आंसर 257 ही रहेगा, आंसर 257 ही रहेगा, लेकिन पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 के कारण एक स्थान आगे बढ़ जाता है। जितने 0 लगे हुए हैं पॉइंट उतने स्थान आगे बढ़ जाएगा, पॉइंट अभी यहाँ पे है तो पॉइंट एक स्थान बढ़ जाएगा, तो पॉइंट 5 के पहले ना आगे 5 के बाद आएगा, ये उत्तर हो गया। अगर मान लो होता 257 × 100, 2.57 × 100 होता, ठीक है, तो 2 0 है तो पॉइंट कितने स्थान बढ़ जाएगा, 1 2, तो 2 पॉइंट मतलब पहले 257 लिख दूँ,
पॉइंट यहाँ पे ना आके सात के बाद में आएगा। अब देखो सात के बाद में तो कोई संख्या ही नहीं है, इसलिए अपनी तरफ से अपन क्या लगा देंगे, जीरो। मान लो होता ये तो मैंने एक बता दिया, ये दूसरा बता दिया, तीसरा देखो 257 × 1000 होता कितना होता, 1000, और पॉइंट है 2.57 × 1000, तो पॉइंट कितने स्थान आगे चला जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2 और 3, तो 2, 5, 7। अब देखो पॉइंट को तीन स्थान आगे करना है, तो एक तो हो गया 5, एक हो गया 7, अब तीसरा तो संख्या ही नहीं है, जब तीसरी संख्या ही नहीं हो तो अपनी तरफ से अपन क्या लगा देंगे, ज़ीरो। अब तीन संख्या हो गई 1, 2, 3, तो पॉइंट तीन संख्या बाद जाएगा 1, 2, और ये हो गई 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2, 5, 7, 0, 0, अब पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं तो लगा देंगे 0। तो इस तरीके से आप 10, 100 या 1000 से गुणा करके पॉइंट जब भी करेंगे किसी भी दशमलव को, तो आपको गुणनफल करने की निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पॉइंट का स्थान आगे बढ़ा देंगे, जितने जीरो हैं उतना स्थान आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर संख्याएं कम पड़ रही हैं तो अपनी तरफ से ज़ीरो उतने लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 3 हो जाएगा। अब मैं कुछ सवाल नंबर 3 के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए। चलिए, तो मैंने आपके लिए 4 सवाल ले लिए, तीसरे में टोटल 12 सवाल हैं, तो मैंने 4 आपके लिए ले लिए, ठीक है। तो 168.06 × 10 से करना है, इसको 100 से करना है, यहाँ 10 से, यहाँ 1000 से। तो मैंने क्या कहा था, जब भी 10 या 100, 1000 यानी एक और जीरो वाली संख्या हो तो पॉइंट हमेशा आगे बढ़ जाएगा जितने जीरो हैं। तो इसमें पॉइंट कहाँ हो जाएगा, एक जीरो के बाद आ जाएगा, तो 168 और जीरो के बाद में आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट क्या हो जाएगा, एक स्थान बढ़ जाएगा, तो 0.7 मैंने इस पॉइंट को एक स्थान बढ़ा दिया, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दो है, दो जीरो है, तो दो जीरो पॉइंट दो स्थान बढ़ जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद में तो एक ही वैल्यू है, तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 31। अब पॉइंट को क्या करना है, एक दो स्थान बढ़ाना है, लेकिन यहाँ तो संख्या एक ही है, तो पहले तो एक लिख दिया और एक अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, जीरो। तो पॉइंट यहाँ पे था 31 के बाद में, तो एक दो स्थान बढ़ के पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे, जीरो। तो इस तरीके से आप अपना सवाल कर लेंगे। भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू है ना, तो यहाँ पे दो जीरो है, तो पॉइंट को कितने स्थान आगे बढ़ाएंगे, दो बार, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही संख्या है, तो एक अपनी तरफ से और जीरो लगा के दो बार बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे, और उसके बाद कोई जगह खाली नहीं है, तो इसलिए जीरो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो है तो एक स्थान बढ़ जाएगा, तो ये 008 लिख दिया मैंने, और पॉइंट एक स्थान बढ़ जाएगा, तो इस जीरो के बाद में आएगा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 00.8। अब पॉइंट के पहले एक ही जीरो लिखते हैं, तो एक जीरो को मैं मिटा दूंगा, 0.8 हो जाएगा, यानी पॉइंट एक स्थान बढ़ जाएगा। यहाँ पे 1000 है यानी तीन जीरो है, तो पॉइंट कितने स्थान बढ़ेगा, तीन स्थान, 1, 2 और 3, लेकिन पॉइंट के बाद तो दो ही संख्या है, तो अपन एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे, तो हो जाएगा 003, ठीक है, और एक जीरो और लगा लेते हो, तो पॉइंट यहाँ पे है ना, मतलब यहाँ पे, तो 1, 2 और 3 स्थान बाद आ जाएगा, और पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे। अब देखो संख्या से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 30.0। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 3 के सारे पार्ट कर लेंगे। चलिए अगला पार्ट है, अपन दो दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करें, ये आखिरी पार्ट है कि एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे गुणा करें, दशमलव संख्या इंटू दशमलव संख्या। तो मैं आपके लिए उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 2.5 × 1.7, तो यहाँ पे क्या करना होता है, आप सीधा संख्याओं को गुणा कर लो और फिर पॉइंट लगा देंगे उत्तर के बाद में। 25 को किससे गुणा कर लो, 17 से, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, 7×2 = 14, 17, 1×5 = 5, 1×2 = 2, तो 5, 7 और 5 = 12, हासिल 1, 2, 3, 4, तो आपको उत्तर क्या आ गया, 425। अब आपको पॉइंट कैसे लगाना है, देखो इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है, इसमें पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो एक और एक कितना हो गया, दो संख्या, तो आपको पीछे से दो के बाद पॉइंट लगाना है। यानी आपको क्या करना है, जब भी दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से गुणा करें तो आप सीधे अंकों को गुणा कर लें, और इसके बाद के पॉइंट की संख्याएँ गिन लें, इसके बाद गिन लें, और फिर पीछे से जितनी संख्याएँ बन रही है उतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। ये एक सवाल हो गया, एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, 0.1 × 51.7, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एक को 517, मतलब इसको 517 मानो, तो 517 को एक से गुणा करो तो क्या आएगा, तो 517 ही आएगा। अब पॉइंट के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें भी एक संख्या है, यानी पॉइंट के बाद पीछे से दो संख्या, एक और एक, दो दो संख्या के बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा। एक सवाल और ले लेते हैं आपके लिए, आठवां, मैं अलग से मिटा के लिख देता हूँ।
अगला सवाल है 10.05 इंटू 1.05, तो इसमें क्या करोगे, 1005 को आप 105 से गुणा कर लो पहले बिना पॉइंट लगाए। 5 × 5 = 25, हासिल 2, तो 2 का 2 एज इट इज़, 500, 5 × 5 = 5 गुणा 0 से करोगे तो 0000 चार बार आ जाएगा, दो बार क्रॉस, 1 से करोगे तो वही आ जाएगा 5001, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5255501, तो उत्तर कितना आ गया 105525, ठीक है। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे, ध्यान रखना पॉइंट लगाना है, पॉइंट में इसके बाद दो संख्या है, इसके बाद दो संख्या, तो दो और दो कितनी हो गई, चार संख्या है, तो इसमें पीछे से पॉइंट के बाद चार संख्या लगाना है, 1 2 3 4, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा आगे से मत लगा देना आप, 1 2 3 4 करके लगा दो, पॉइंट हमेशा पीछे से लगाया जाता है, ध्यान रखना पीछे से, कोई भी चीज़ हो पॉइंट हमेशा पीछे से लगाते हैं, 1 2 3 4 बार लगाएं तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणा कर लेंगे। अब मैं आपको प्रश्नावली दिखा देता हूँ, कौन से सवाल है, मेरी प्रश्न 2 पॉइंट से आपकी आज पूरी होती है, अब कौन कौन से सवाल कैसे करने हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। चलिए तो ये हमारी प्रश्नावली 2 पॉइंट से, पहले मैं आपको गुणा करना है एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या से, मैंने बता दिया आपको सवाल। सवाल नंबर 2 देखो मैंने छोड़ दिया था, क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई है 2.7 और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आपको 5.7 को 3 से क्या करना है, गुणा करना है, जैसे आपने सवाल नंबर 1 में किया था, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो cm ऊपर घात 2 लगा देंगे आप। सवाल नंबर 3 मैंने बता ही दिया है कि कैसे आपको एक दशमलव संख्या को जीरो वाली संख्या से करना है, पॉइंट कितना हो जाएगा, एक जैसे अगर 10 है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 100 है तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1000 है तो 3 डिजिट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखिए, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना करेगा, तो 55.3 को 10 से क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने में वही तरीका करना है, 10 से जब गुणा करोगे तो पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसका दोगे, तो आपका किलोमीटर की संख्या आ जाएगा। और ये है आपका लास्ट सवाल नंबर 5, तो ये भी मैंने आपको कराई दिया दशमलव संख्या को कैसे दशमलव संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो आपका आज यहीं पे ये क्लास समाप्त होती है, आपको होमवर्क बता देता हूँ मैं। तो बच्चों आपका होमवर्क है कि आपको 2.5 में जो सवाल नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8 करवाया था वो, और 2.6 पूरी ये आपको करनी है कॉपीज़ में। मैंने सारे सवाल प्रश्नावलियों में से लेके भी सवाल समझाया है, अलग से भी समझाया है, वीडियो को रोक रोक कर करें कि पहले जैसे 2.5 का सवाल नंबर 5 देख लो सीख लो, फिर वैसे वो कर लो, फिर छठा कर लो, फिर सातवां, फिर आठवां, तो ऐसे वीडियो को रोक रोक कर आप अपना काम सीख सीख कर सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। अगली क्लास में अब अपन प्रश्नावली 2.7 जो आखिरी प्रश्नावली उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।